स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर का अध्ययन करा रही हूँ। हमारा फर्स्ट यूनिट जो पूरा समाप्त हो गया है, सब कोर्स पूरा हो गया है। अब हम आज से पढ़ेंगे सेकंड यूनिट जो है सेकंड इकाई। तो इसमें इस सेकंड इकाई का पार्ट वन आज हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है, देख लीजिए, भारतीय संविधान के विषय में ज्ञान। मेन इसकी हेडिंग यह है भारतीय संविधान के विषय में ज्ञान। और इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स हैं? मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्य, राजनीतियों के निर्देशक सिद्धांत और शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे ये पार्ट सेकेंड, यूनिट सेकेंड का चैप्टर वन है और इस चैप्टर वन में ये सब पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे और हम इसको आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। चलिए हम समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान में की प्रस्तावना किन शब्दों में व्यक्त की गई है। तो हम इन शब्दों को पढ़ के समझ लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखा गया है क्या उसमें? हम भारत के लोग भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज बनने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत्त इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। मीन्स ये इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग इन सारे जो पॉइंट्स हैं इसके अंतर्गत अपनी मतलब इस तारीख को मतलब 26 नवंबर 1949 ईस्वी में संविधान को अधिकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब सन 26 नवंबर 1949 को हम भारत के सभी वासी इन सारे पॉइंटों को अंगीकृत करेंगे और इसके अधिनियमों को पालन करेंगे और इसके सामने आप समर्पित रहेंगे। तो ये हमारा भारत के संविधान की प्रस्तावना है। हमने आज इस चैप्टर को भारत के संविधान की प्रस्तावना से स्टार्ट किया है और किन शब्दों में हमने प्रस्तावना को पढ़ा है या किन शब्दों में प्रस्तावना लिखी गई है, इस चीज को हमने सबसे पहले समझा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का स्वरूप। तो भारतीय संविधान का स्वरूप जो है, जैसा कि आप सबको पता होगा, नहीं तो हम बता देते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है ये पहले अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। तो जब ये लिखा गया था लेकिन 1988 में इस संविधान का मतलब हिंदी रूपांतरण या हिंदी संस्करण तैयार किया गया। कि कौन से सन में? 1988 में तैयार किया गया जिसमें जिसमें 348 प्रश्नों का
एक ऐतिहासिक अभिलेख है। क्या है इस संविधान में जो तैयार किया गया था पहले अंग्रेजी भाषा में, फिर से हिंदी भाषा में तैयार किया गया, तो कौन सन में 1988 में तैयार किया गया, और ये पूरा कितने पृष्ठों में है 348 मतलब 348 पृष्ठों का एक ऐतिहासिक अभिलेख है। मतलब इतने सारे इसमें पृष्ठ हैं कि पूरे चाहे चैप्टर बोल लीजिए चाहे पार्ट बोल लीजिए 348 पृष्ठों का एक ऐतिहासिक अभिलेख है। तो फिर इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें कुल 22 भाग हैं। अनुसूचियां तो क्या है इसमें, इस जो हिंदी जो उसका रूप तैयार किया गया है संविधान का, इसमें क्या है 348 पृष्ठ हैं, से कुल भाग 12 भाग इसमें है, इसमें 395 अनुसूचियां हैं और सॉरी 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इतना बड़ा जो ये इसका रूप तैयार किया गया है, इसमें इसके अंतर्गत हम सबसे पढ़े सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इस संविधान के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे हम नागरिकता। बच्चों पहले क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम नागरिकता, मतलब नागरिकता क्या है, भारतीय संविधान में सभी के लिए नागरिकता की व्यवस्था की गई है। जब संविधान तैयार किया गया तो सबसे पहले इस पर क्या पॉइंट रखा गया, नागरिकता। तो भारतीय संविधान में सभी के लिए नागरिकता की व्यवस्था की गई है और इसमें उन लोगों को नागरिकता सबसे पहले मिली है जो लोग संविधान लागू के समय मतलब 26 जनवरी 1950 में सभी के लिए समान व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, पर सबसे पहले उन लोगों को मतलब प्राथमिकता दी गई जो लोग संविधान लागू के समय 26 जनवरी 1950 में भारत के बाहर में रहते थे। लेकिन उसमें भी कुछ रूल मतलब बनाए गए हैं, वो रूल क्या है हमारे, तो बच्चों किस अधिकार के अनुसार भारत में लोगों को नागरिकता में प्राथमिकता मिली, तो अनुच्छेद 5 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता मतलब किस नियम या किस रूल के अकॉर्डिंग लोगों को प्राथमिकता मिलेगी या नागरिकता मिलेगी कि ये लोग मतलब भारत के नागरिक हैं, तो रूल क्या थे, पहला क्या है का में जो भारत के राज क्षेत्र में जन्मा हो, मतलब जो हमारा भारत वर्ष है, भारत देश है उसके
राज क्षेत्र में कहीं पे भी जो व्यक्ति जन्मा होगा वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। पहला तो पैंट नियम ये था। फिर दूसरा नियम क्या है था में, जिसके माता व पिता में से कोई भारत के राज क्षेत्र में जन्मा हो, मतलब अगर बच्चा ना जन्मा हो उसके पहले के भी लोग हैं, है ना, उनके माता पिता हैं और क्या बोलते हैं उनके माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति हो जो भारत में जन्मा हो, और अगर वो किसी कारणवश किसी और देश में चले गए हो रहने के लिए दोबारा आना चाहें तो क्या होगा, वो भारत देश का नागरिक होगा। तो कैसे होगा, किसी के भी माता पिता जैसे भारत में जन्मे होंगे हैं, तो वो व्यक्ति भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। और बच्चों तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले मतलब जब संविधान लागू हुआ था उसके प्रारंभ में ठीक पहले कम से कम 5 साल पहले ना 5 वर्ष तक भारत के राज क्षेत्र में मामूल तौर से निवासी रहा हो, मतलब क्या संविधान जब लागू हुआ उसके 5 साल ठीक पहले कम से कम 5 साल होना चाहिए, वो जो व्यक्ति भारत राज क्षेत्र में आमतौर मतलब नॉर्मल तौर पे अगर निवासी रहा हो वो भारत का निवासी माना जाएगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो भारत का निवासी होगा। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया, अगर ये 3 पॉइंट जिन लोगों में मिलेंगे तो वो लोग भारत के निवासी कहलाएंगे या उनके उनको नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 6। बच्चों संविधान में नागरिकता के लिए कितने अनुच्छेदों को रखा गया है, तो 5वां अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं और 6ठा अनुच्छेद अभी पढ़ेंगे। पर इसके अगर अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इतने प्रकार के अनुच्छेद जो हैं वो नागरिकता के लिए बनाए गए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 6 में क्या पढ़ेंगे हम, कि पाकिस्तान से भारत को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, मतलब कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से हो, मतलब जो अनुच्छेद आपने 5 पढ़ा है उस पर भी पॉइंट दे रखे हैं काखा गा करके, उन पॉइंट के अंतर्गत ऐसे राज्य क्षेत्र से हो, मतलब वो लोग जो ऐसे राज्य क्षेत्र से हो जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, मतलब जो अनुच्छेद 5 दिया गया है उन अनुच्छेद में जो नियम काखा गा दिए गए हैं, अगर उस नियम के अकॉर्डिंग वो लोग जो राज क्षेत्र में हुए थे पर वो अभी यहाँ पे नहीं है और इस समय वो पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं भारत के राज क्षेत्र में प्रवर्तन किया, मतलब उन्होंने भारत के राज क्षेत्र के अंतर्गत अपनी फैमिली बनाई है, किसी तरह प्रवचन किया है, वह लोग भारत के नागरिक समझे जाएंगे। मतलब अनुच्छेद 5 के अकॉर्डिंग जो रूल दिए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर कुछ व्यक्ति आगे प्रवचन करके पाकिस्तान चले गए रहने के लिए और अभी वो स्टैंड पे नहीं है तो क्या है, वो लोग भी भारत नागरिक कहलाएंगे। पर क्यों, उनके पास उस चीज का कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई प्रमाण होना चाहिए। इस प्रकार अनुच्छेद 7 में हमें क्या देखने को मिलता है, पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार, मतलब ऐसा नहीं कि आप सभी को नागरिकता दे सकते हैं जो लोग पाकिस्तान में बसे हुए हैं, पाकिस्तान के वो लोगों को अधिकार है जो अनुच्छेद 5 के अकॉर्डिंग किसी कारणवश पाकिस्तान में चले गए हैं, पर अनुच्छेद 5 और 6 में से किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज क्षेत्र ऐसे राज क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवचन किया हो, भारत का नागरिक नहीं होगा, भारत नागरिक नहीं समझा जाएगा। कौन लोग अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद के अकॉर्डिंग
जो व्यक्ति अगर कहे कि हम मतलब भारत के नागरिक हैं, पर वो लोग नहीं होंगे जो 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज क्षेत्र, ऐसे राज क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है उनको नहीं माना जाएगा। मतलब उन्होंने उनको प्रजन किया हो पर उनको नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 1 मार्च 1947 के पश्चात चले गए थे छोड़ के भारत। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद आठ। अब बच्चों अनुच्छेद आठ में क्या पढ़ेंगे कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिक के अधिकार, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो क्या अधिकार है? अनुच्छेद पांच के अनुसार, अनुच्छेद पांच के पांच में किसी बात के होते हुए, मतलब उनमें से जो पॉइंट है किसी बात के भी एक पॉइंट होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। मतलब किसी के 1935 के अधिनियम में कोई व्यक्ति या उसके माता या उसके पिता या उसके दादा या उसके दादी, है ना, या उसके नाना या उसके नानी के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अगर उस अधिनियम में था, मतलब उस सन में भारत में जन्मा था, 1935 में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा हो, मतलब कोई व्यक्ति जो 1935 के अनुसार 1935 के अंतर्गत किसी कोई व्यक्ति या किसी की माँ का, किसी के पिता, किसी के दादा या दादी या नाना नानी जन्मे हो और वो अब इस टाइम किसी अन्य देश में आम तौर मतलब नॉर्मल इंसान बनकर रह रहे हो किसी देश में, तो किस निवास कर रहे हो, किसी देश में रह रहे हो या निवास कर रहे हो, तो वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके भारत में रहता था पर वो 1935 के जो भारत का जो अधिनियम था 1935 का उसके अंतर्गत उसको समझा जाएगा। अब अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले नागरिकों का नागरिक ना होना। मतलब अनुच्छेद 9 के अनुसार क्या कहा गया है कि जो नागरिक, जो भारत के नागरिक अपनी स्वेच्छा से किसी और विदेशी स्थानों पे या विदेशी देश में जाके रह रहे होंगे, बस गए हों और वो अपने इच्छा से वहां पे रह रहे हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने भारत छोड़ दिया है और वो अपनी इच्छा से किसी अन्य विदेशी स्थान पर रह रहे हैं, इसमें ये होगा। और अनुच्छेद इसके बाद है अनुच्छेद 10 में देखिए, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इस भाग में अनुच्छेद 10 के जो भाग है, इस भाग में पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन, मतलब पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है, मतलब पूर्वगामी उपबंधों में किसी के अधीन है, पूर्व पहले से ही वो या अधीन है या समझा जाता है या वो समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मतलब ऐसे रूल के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, मतलब जो ये रूल है संसद द्वारा बनाए जाए, पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन, ठीक है, जो भारत का नागरिक है या समझा जाए, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए वह क्या है, वो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है। ठीक, इसके बाद हमारा
लास्ट क्या है अनुच्छेद लास्ट हमारा है 11 अनुच्छेद 11। बच्चों क्या पढ़ेंगे इसमें हम, इसकी हेडिंग क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिनियम का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। मतलब इस भाग में पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध कराने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। मतलब जो भारत की पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के कारण नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पकालीनकरण नहीं करेगी और नहीं करेगी। अनुच्छेद 11 के अनुसार इसका कोई भी अल्पीकरण नहीं है। किसके लिए? नागरिकता के लिए। तो मित्र ये हमारे अनुच्छेद पॉइंट थे, मतलब अनुच्छेद के पॉइंट थे। कौन कौन सा पॉइंट था? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये सारे पॉइंट हमारे अनुच्छेद के अंतर्गत हमने किसमें पढ़े हैं? नागरिकता के अंतर्गत पढ़े हैं कि नागरिकता के लिए हमें कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत क्या बताया गया है, इससे हमने पढ़ा और समझा। तो बच्चों अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और चल रहा है हमारा यूनिट 2। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, गुड बाय।